सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में आज प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि निलंबित सांसदों को बहाल किया जाए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में गांधी पार्क स्थित गांधी जी की प्रतिमा के सम्मुख प्रदर्शन कर धरना दिया उन्होंने विपक्ष के सांसदों को निलंबित किए जाने के फ़ैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की इस दौरान बेहद विधायक उमर अली खान एम शाहनवाज़ खान पूर्व मंत्री संजय गर्ग सरफराज खान नगर अध्यक्ष आज़म शाह पार्षद फ़हाद सलीम फैसल सलमानी कार्तिके राना सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और भ्रष्टाचार की सीमा जो है इंतहा पार कर चुकी है इन सब मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा था अपनी बात रखने का काम किया था एक सांसद पहले इतिहास के अंदर हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिला है एक सांसद का निष्कासन हुआ है निलंबित करने का काम किया गया है जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लिए हानिकारक भी है हमारी मांग चूँकि एन की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ के जो निलंबन हुआ है उसके लिए पूरे देश के अंदर जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी भी आज जो है पूरे प्रदेश के अंदर दे रही है और ये समाजवादी पार्टी की मांग है इस बात के जो निलंबन सांसदों का हुआ है उनको उनकी बहाली होनी चाहिए चूँकि लोकतंत्र के अंदर जो है सब आज़ाद है अपनी बात रखने का उनको अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है और कुटारागात उनके ऊपर किया जा रहा है जो लोकतंत्र हत्या के होने का प्रयास कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी किसी उम्र तो होने नहीं देगी इसके लिए समाजवादी पार्टी को कितना भी संघर्ष करना पड़े सड़कों पर आना पड़ेगा आप क्या कह रहे हैं सड़कों पर आ करके सरकार को जगाना क्या कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी ये हम आप आज यहाँ धरने पर बैठे हैं सभी नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि सहारनपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुज़फ़्फ़र अली के नेतृत्व में कांग्रेस जन कलेक्टरेट परिसर में जुटे और ज़ोरदार नारेबज़ी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर कांग्रेस जन संसद के दोनों सदनों में एक विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरुद्ध आज प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने इसे भाजपा की लोकतंत्र विरोधी सरकार की तानाशाही बताया प्रदर्शन में मुख्य रूप से उमा भूषण जावेद साबरी फिरोज आफ्ताब पूर्व पार्षद सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू धर्मपाल जोशी धर्मवीर व नरेंद्र शर्मा सहित भारी संख्या कार्यकर्ता मौजूद रहे जिस तरह लोकतंत्र की हत्या केंद्र सरकार कर रही है 142 सांसदों को जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सांसद हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया और इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया जिस तरह की कार्रवाई ये सरकार दमन की नीति और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं उस उसके लिए कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है ये एक मंदिर सांसद भवन जो है वो एक मंदिर है जिस तरह के कृतज्ञ उसमें हो रहे हैं कोई सांसद उठकर गाली दे रहा है अगर कोई हक की बात करता है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो ये लोकतंत्र है इस लोकतंत्र की बात करते हैं मोदी जी इस 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 विकास की सबको साथ लेकर बात चलने की बात करते हैं जो आप आदमी बोलेगा उसके खिलाफ अब पहले ईडी ईडी का काम होता था सीबीआई का काम होता था अब सांसद अगर लोकसभा में बोल रहे हैं तो उनको निलंबन का काम किया जा रहा है अरे आप इस बात को देखिए जिस सांसद सहारनपुर में शुक्रवार को राजस्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनूप प्रधान पहुंचे जहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के साथ बैठक की वही बार में नगर निगम सफाई कर्मचारियों के साथ मुलाकात की जिसके बाद वह कलेक्ट्रेट पहुंचे और पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे मेरा जनपद सहारनपुर में राजस्व विभाग की धारा 24, धारा एक धारा अस्सी धारा सड़सठ धारा चौंतीस धारा अड़तीस और भी जो राजस्व विभाग की धाराएँ उनके संबंध में वाइज और प्रत्येक धारा के बिंदुवार समीक्षा बैठक की गई अगर मैं धारा 24 की बात करूं, जो पैमाइ से संबंधित रहती है काफ़ी अच्छा कार्य धारा 24 के अंतर्गत हुआ है एक दो तहसीलों के अंदर समय से बाद की पत्रावली लंबित ऐसे ही धारा एक सो में काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है धारा सड़सठ में जरूर थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है तो हमने सहारनपुर में क्रिसमस पर्व के उपलक्ष में संस्कार निधि एवं सहारनपुर पास्टर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में क्रिसमस मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें विभिन्न विद्यालयों एवं चर्च द्वारा रंगारंग झांकियां शामिल रहे जिन्होंने आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया आज गांधी पार्क जनमंच से शोभायात्रा आरभ हुई शोभायात्रा में प्रभु यीशु के जन्म से सबाधित झांकियों का प्रदर्शन किया गया एवं क्रिसमस के गीतों को गाया गया जिसमें शहर की सम्मानित विभूतियों ने भाग लिया